हेलो एवरीवन वेलकम टू सरोज मिश्राज मिश्रा चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीएड कैंडिडेट्स के लिए दिल्ली में शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं दिल्ली में दो अलग अलग लोकेशन है जहां पर वैकेंसीज फिल की जाएंगी ग्रेजुएट आप किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है एंड बी तो काफी अप्लाई करने के लिए सीटेड टेट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है फ्रेशर है तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है पोर्टल पे जाके आप अपडेट कर देंगे जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है क्वालिफिकेशन वगैरह किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और एप्लीकेशन हो जाएगी दो ब्रांचेज हैं दोनों ब्रांचेज में स्कूल के दो ब्रांचेज हैं दोनों ब्रांचेज में ओपनिंग होगी चलिए देख लेते हैं डिटेल्स ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं पोर्टल पे ही जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करनी है और दूसरा कोई मोड नहीं है अप्लाई करने के लिए सिंपल है आप इसे मोबाइल पर भी ओपन कर सकते हैं मोबाइल पे भी ओपन करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है नहीं है तो एक्सपीरियंस वाला सेक्शन आप छोड़ दें और जिसमें रेड एस्ट्रिक है वो आपको फिल करना ही होगा जैसे कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर इन सब में रेड एस्ट्रिक है यहां पर देखें ना रेड एस्ट्रिक है तो वो सेक्शन आपको फिल करना पड़ेगा एक्सपीरियंस वाले में रेड एस्ट्रिक नहीं होगा तो प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं यहां पर आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑप्शन आएगा पहले देखेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन किस में मांग रहे हैं और कहाँ पर है दिल्ली में ये तो ठीक है डीपीएस इंटरनेशनल न्यू दिल्ली इंडिया अब इसमें जो वैकेंसीज हैं वो क्या है वो देख लेते हैं पीआरटी अर्ली ईयर मतलब ये जो है ना ये वाली पोस्ट इसमें एनी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बी के साथ पीआरटी अर्ली ईयर मतलब वो क्या नर्सरी जूनियर सीनियर वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्थ स्टैंडर्ड तक आप पढ़ा सकते हैं अगर कोई भी सब्जेक्ट अब नर्सरी जूनियर सीनियर में तो सब्जेक्ट का कोई रेस्ट्रिक्शन होता नहीं उसमें तो ए बी सी डी नॉर्मल जो है ना बस मतलब सिखाना रहता है कि कैसे लिखना है तो उसमें सब्जेक्ट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कोई भी ग्रेजुएट या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं अर्ली ईयरस के लिए साथ में सिर्फ बीएड मांग रहे हैं सीटेड टेट की कोई जरूरत नहीं है सैलरी अच्छी देंगे इसकी दो जॉब लोकेशन है एक यूडीसी की भी जरूरत है जिसमें कोई भी ग्रेजुएट है फाइव ईयर एक्सपीरियंस आपको एडमिनिस्ट्रेशन में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी हिंदी के वैकेंसी है हिंदी से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट एंड बीएड एड है तो अप्लाई कर सकते हैं पी म्यूजिक एंड टीजीटी म्यूजिक वेस्टर्न है जिसमें की ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं तो ये जो पीआरटी अर्ली ईयरस है ना इसमें तो कोई भी अप्लाई करें चलेगा अगर आपके पास बी है सब्जेक्ट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा तो इसमें जो वेकेंसी सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि अप्लाई कैसे करना है वगैरह अब इसमें ना दो ब्रांचेस है एक साकेत ब्रांच है गैलरी करके साकेत ब्रांच है और आरके पुरम ब्रांच है तो साकेत ब्रांच दिल्ली में है ना साकेत एक जगह और एक आरके पुरम तो दोनों ब्रांच में वैकेंसीज फिल की जाएंगी डीपीएस इंटरनेशनल अब इसी में जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो वैकेंसी सेक्शन ऊपर आपको स्क्रीन पर नजर आएगी वैकेंसी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा इस पेज पर आप देखेंगे सैलरी अच्छी देंगे थर्टी फाइव थाउजेंड से लेके पैंतीस हजार से पचपन हजार तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रोसीड फॉर टीचिंग स्टाफ पीजीटी टीजीटी पीआरटी लिखा है लेकिन इसमें जो पोस्ट है वही आपको नजर आए जो यहाँ पर लिखा है ना वही पोर्टल में भी नजर आएगा प्रोसीड फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ चलिए एक बार क्लिक कर लेते हैं ये वाले जो टीचिंग पोस्ट वाली फॉर्म है नॉन टीचिंग में तो एक ही है ना यूडीसी अब पोस्ट अप्लाई फॉर पे आपको क्लिक करना है और इस इसपे क्योंकि पीआरटी में था ना अर्ली चाइल्ड तो ये पीआरटी पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे अर्ली ईयर्स अर्ली ईयर्स करेंगे इसके बाद यहां पर आपको क्लिक इर टू अपलोड इमेज एक इमेज आप अपलोड करेंगे पर्सनल डिटेल आप एंटर करेंगे सारी चीजें इन्फॉर्मेशन जो रेड डेस्ट्रिक्ट में वो जरूरी रहेगा वो एंटर करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा भरेंगे फिल करेंगे तो अच्छा रहेगा जितनी कम इन्फॉर्मेशन देंगे तो सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगी और यहाँ पर एक डिक्लेरेशन में जो भी आई एग्री करेंगे डिसएग्री तो नहीं करेंगे ना एग्री करेंगे और फिर इसको सबमिट कर देंगे तो पोर्टल से ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाएगी जैसे मैंने बताया कि फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी करना चाहे तो करें आरके पुरम और साके दो जगह इसके ब्रांचेस हैं स्कूल अच्छा है पैंतीस हजार से पचपन हजार तक आप एक्सपेक्ट कर सकते फिफ्टी फाइव थाउजेंड इसलिए बोल रहे हो क्योंकि कुछ कैंडिडेट को एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली उनको सैलरी अगर सेलेक्ट करेंगे तो सैलरी ज्यादा देंगे और नहीं कम भी देंगे तो भी थर्टी फाइव थाउजेंड तो देंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट की होम पेज के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें होम पेज से आपको वैकेंसी सेक्शन मिल जाएगी वेबसाइट पर ही वेकेंसी सेक्शन मिल जाएगी लिंक के लिए इस ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें